अस्सलाम वालेकुम सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आप लोगों के लॉन्ग आंसर्स कराने वाली हूँ. सो लिसन हियर केयरफुली. एक्सप्लेन हाउ वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म. आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से वाटर वाटर वेपर में चेंज होता है और बादल किस तरह से बनते हैं. ठीक है. एज द वाटर हेल्प अप वाटर वेपर इज फॉर्म. एज द वाटर हीटेड अप, जैसा पानी उबलता ना ज़मीन की गर्मी से, जैसा पानी उबलता वो क्या होता है, गर्म होता है. देन उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं. वाटर वेपर मिक्स विद द एयर थ्रू प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन. अब पानी क्या होता, एक प्रोसेस से पानी हवा से मिल जाता, इवेपोरेशन मिल, तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन. ठीक है. ये पानी हवा के साथ मिलके इवेपोरेशन क्रिएट करती. व्हेन वाटर वेपर्स राइजेस विद हॉट एयर एंड रीचेस हाई अप इन द स्काई गेट्स इन द स्काई एंड गेट्स कहाँ पे हैं, गेट्स कूल. अभी वाटर वेपर्स क्या, अभी हॉट गर्म हवा में मिलके पानी जब आसमान में बहुत ऊपर चले जाता, जब ऊपर जाते जाते क्या होता, वो पानी ठंडा हो जाता. विद द कूलिंग वाटर वेपर इज ट्रांसफॉर्म इंटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. अभी ऊपर जब चले जाता कूलिंग वाटर की वजह से, वेपर क्या होते, ट्रांसफॉर्म होकर छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता पानी. ठीक है. अभी वो पानी क्या होगा, दीज ड्रॉपलेट्स गैदर अराउंड माइन्यूट डस्ट और स्मोक पार्टिसिपेंट पार्टिकल्स इन द एयर एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज. अभी बाकी जो एटमोसफियर में सारा जो डस्ट होता है, स्मोक होता है, वो सारा पार्टिकल मिलके क्या होता और साइज में बड़ा दिखता बादल. ठीक है ना. दीज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर गैदर टू फॉर्म ए क्लाउड. अभी ये सब छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके क्या करते, पूरे मिलके क्या करते, बादल बनाते. ठीक है. ये है आपका फर्स्ट लॉन्ग आंसर. देन मूव ऑन टू नेक्स्ट आंसर. गोदावरी फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वाई गोदावरी वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो हो रही. क्यों. ए प्लेन थ्रू विच द रिवर इन तेलंगाना फ्लो इज हायर इन द नॉर्थ. एक प्लेन है जो तेलंगाना में है, तो वो क्या है, थ्रू विच द रिवर इन तेलंगाना, जो तेलंगाना की तरफ से जो रिवर फ्लो होती ना, हाई इन नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ थोड़ी ऊंची है, और नॉर्थ एंड वेस्ट इट स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ. तो उसका स्लोप क्या है, साउथ ईस्ट की तरफ है. तो रिवर गोदावरी ओरिजिनेट इन वेस्ट, इसीलिए क्या होता, रिवर गोदावरी वेस्ट की तरफ बहती है. हेंस दे नेचुरली फ्लो, वो नेचुरली फ्लो करते हैं ना टूवर्ड्स साउथ, साउथ और ईस्ट की तरफ क्या होते हैं वो लोग फ्लो करते हैं. एंड फाइनली ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में जाके वो कहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ. रिवर लाइक कृष्णा एंड गोदावरी स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट वेस्टर्न घाट्स विच रिसीव हैवी रेन. ये रिवर गोदावरी कहाँ से शुरू होती, वेस्टर्न घाट्स की तरफ से शुरू होती, जो जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती. द रेन वाटर स्लोली परकोलेट्स इंटू ग्राउंड एंड फ्लो इंटू द रिवर ऑल थ्रू द ईयर, इसीलिए ये साल भर बहती रहती है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट आंसर. यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देयर मे बी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लोइंग योर विलेज. आपके गांव के करीब स्ट्रीम्स और रिवर्स बहते हैं, नदियाँ. ठीक है. फाइंड आउट अबाउट देम एंड फिल इन द टेबल बिलो. अब ये टेबल हमको फिल करना है. ठीक है. अभी आपको टेबल बनाना है वहाँ पे आंसर के पास. नेम द सोर्स गोदावरी कृष्णा किन्नरसानी एंड मुनेरू दीज रिवर्स नेम्स. ठीक है. विच रिवर डज इट ज्वाइन. अब ये कौन से रिवर से ज्वाइन होती, गोदावरी जाके वेस्टर्न घाट से ज्वाइन होती, फिर जाके कहाँ पे मिल जाती, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. कृष्णा जाके वेस्टर्न घाट से मिलती है, देन जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. देन किन्नरसानी जाके टडवाई हिल्स एंड मादरम इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट गोदावरी में जाके मिलती है, फिर जाके लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ही मिल जाते हैं. ठीक है. मुनेरो पकाला टैंक में मिलती है, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में लगता है, कृष्णा को लगता है पानी इसका, फिर बे ऑफ बंगाल में ही ये लोग क्या होती, मिल जाती जाके. ठीक है ना. नेक्स्ट. अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए. व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ कैन द पीपल, हाँ लास्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट मेक अ पोस्टर ऑन फ्लड डिवास्टेशन. फ्लड डिवास्टेशन पे एक पोस्टर बनाना है. इस तरह से आप अच्छी डायग्राम बनाइए, वहाँ पे एक पेपर चिपकाइए, सब वाइट पेपर लगा के इस तरह से आप, मैं इतने पिक्चर्स निकाली, इसमें से आपको कौन सा समझ में आ रहा ना, वो वाला पिक्चर क्या करिए आप ड्रॉ करिए, या फिर आप इससे हट के कुछ और अच्छा ड्रॉ करना चाहते तो इट्स योर विश. अच्छा सब ड्रॉ करके क्या करिए वहाँ पे
पेस्ट करिए, ठीक है ना। ये थे हमारे पूरे लॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपने क्या मैपिंग स्किल्स कराऊंगी, ठीक है ना। थैंक यू।